एक दूजे के वास्ते। I love you, Sumo. I really love you. मैं भी। और जिन्हें आप थैंक यू बोलना चाहते थे, अच्छे है ना? थैंक यू बोलो ना। थैंक यू कैप्टन, कैप्टन श्रवण मल्होत्रा। थैंक यू कैप्टन श्रवण मल्होत्रा। चलो वीर। दीदू, इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि ये मुझे मिलने आएंगे, और आप तो आर्मी ऑफिसर हो ना, और आर्मी ऑफिसर्स अपने प्रॉमिसेस नहीं तोड़ते, है ना? हाँ वीर, प्रॉमिस तो किसी को भी नहीं तोड़ना चाहिए, पर कुछ लोग तो तोड़ ही देते हैं ना। मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ने वाला, जल्दी मिलने आऊंगा तुमसे। श्रवण, प्लीज दीदू बताओ ना कब बुलाएं कैप्टन श्रवण को घर। और पता है, मुझे बचाते वक्त उन्हें भी चोट लग गई थी। वीर, तो फिर हम पढ़ाई की बात कब करेंगे? कल क्या कहा था, बहुत हॉलिडे होमवर्क मिला है ना, चलो फिनिश करो। अगर एक सब्जेक्ट का पूरा होमवर्क फिनिश किया तो बुला लेंगे। पहले होमवर्क फिनिश करो, फिर देखते। ओके। जिसने हमारे बच्चे की जान बचाई उसे तो हमें भी थैंक यू बोलना चाहिए ना। पूरी तिवारी फैमिली की तरफ से थैंक यू बोल दिया गया, अब इससे ज्यादा जबरदस्ती गले पड़ना लगे। वक्त ही पता नहीं हमारे साथ कैसा खेल खेल रहा है। पूरी दुनिया में सिर्फ श्रवण ही बचा था जिसने हमारे बच्चे की मदद करनी थी, और अब देखो हम उसका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकते। स्पेशल फ्रेंडशिप मुझे अपनी लाइफ में भी चाहिए, और ऐसा खास दोस्त मुझे तुम में दिखता है श्रवण। मतलब हमारी भी फॉरएवर वाली दोस्ती होगी? यस। कैप्टन सुमन तिवारी, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ श्रवण, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आई लव यू श्रवण। तुम क्या कह रही? काश तुम भी आर्मी ज्वाइन करते। एक्चुअली मैंने भी कुछ प्लान नहीं किया। मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने क्लास में ना आने के बावजूद भी क्लास में सीखे हुए सबक को याद रखा। थैंक यू सर। इसी तरह से खूब मेहनत करो और अपने परिवार और देश का नाम रोशन करो। मेरा एम है एक सिंपल सी लाइफ जीना, जिसमें सिर्फ आराम ही आराम। उसके बाद मैं तो सीधा यूएसए, वहीं पढ़ाई करूंगा, वहीं सेटल हो जाऊंगा।
कैप्टन, कैप्टन श्रवण मल्होत्रा। इतनी लड़कियों को बोला है आई लव यू, मेरे पहले किसको बोला मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर अब मेरे बाद किसी को नहीं बोलूंगी। मैं मानूंगी दुनिया की बात, क्योंकि मुझे भी लगता है कि तुम्हारे पापा देशद्रोही है। तुम मेरे पापा के बारे में इतना गलत कैसे सोच सकती हो? नहीं सुनो प्लीज, ऐसे मत बोलो। हमारे केस का वर्डिक्ट 25th को आ रहा है। Finally. And I'm all set with my closing arguments. Don't worry, okay? अब सब अच्छा-अच्छा हो बस। सब अच्छा ही होगा, सुमन। जिस हिम्मत के साथ आप केस लड़ रही हैं, faulty West केस के मामले में गिल्टी देवराज मल्होत्रा को सजा मिलने से कोई नहीं बचा सकता। मैंने क्या किया है? सारी मेहनत तो आपने की है। थैंक यू विक्रम। आपको देर हो गई? हाँ, वो एक्चुअली कैंट में कुछ काम है। अरे आते साथ ही कैंट, मुझे लगा आप छुट्टियां लेके आएंगे। छुट्टी तो इसी केस के लिए ली थी, पर काम करने की आदत ना छूट जाए इसलिए यहीं पे सीओ साहब से परमिशन लेके एक वॉलंटियर प्रोग्राम के लिए अपना नाम दिया, तो कभी कभी पेशेंट्स को देखने जाना होगा। आप थकती नहीं है? I mean, ये केस, आपका काम, घर का काम, अब ये वॉलंटियर प्रोग्राम, इतनी सब मेहनत किस लिए? ये जितनी भी चीजें आपने अभी गिनवाई ये सब मेरे ही तो काम है, जो मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ, अपने देश के लिए। एक बात पूछूं, सच से बताना, आपका दिल ऑलरेडी देश प्रेम से इतना भरा हुआ है, किसी और के लिए तो दिल में जगह ही नहीं होगी। प्यार ना इज्जत की तरह, अगर सच में महसूस होना तो अपने आप ही जगह बन जाती। मैं जानती हूँ कि आप अपनी बात कर रहे हैं विक्रम, पर मुझे लगता है कि किसी भी रिश्ते के लिए एक दूसरे को अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। और आपको पता है, मुझे ना आपका ये स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज ना बहुत पसंद है। लेकिन अच्छा है, इस बार आप छुट्टियां लेके आएंगे ना तो और एक दूसरे को जानने का वक्त मिल जाएगा। टाइम और स्पेस से? जी हाँ, कोई भी रिश्ता बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर चाहे वो रिश्ता दोस्ती का हो या प्यार। तो इसका मतलब मुझे भी तुम्हें बस टाइम और स्पेस देना है? आई होप सो, पर मैं श्योर नहीं हूं कि अगर आप मुझे अच्छे से जानेंगे तो आपको खुशी होगी। मैडम आपकी तरह फौजी नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं अपने बारे में, ना ही कभी अबाउट टर्न होंगे और ना ही कभी पीछे हटेंगे। चलिए देखते हैं, अब मैं चलती हूँ। श्योर, बाय बाय बाय। कैप्टन श्रवण मल्होत्रा। यस सर, प्लीज हैव अ सीट। आई मस्ट एडमिट, तुमसे मिलने का बड़ा ही इंतजार था। योर सीओ पर्सनली कॉल्ड मी, उन्होंने कहा कि हमारे खास सोल्जर का काफी अच्छे से ध्यान रखा जाए। यू मस्ट बी वेरी स्पेशल। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस यहाँ आने से पहले एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। हाँ, तो काफी डिटेल में सुना है मैंने आपके पिछले ही नहीं बल्कि बाकी सारे एडवेंचर्स के बारे में भी। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। सर, कैप्टन डॉक्टर सुमन, कम इन। I want you to meet this bright young officer, Captain Shravan Malhotra. Captain, this is Captain Dr. Suman Tiwari. Hello, Captain Malhotra.
हेलो कैप्टन डॉक्टर तिवारी। प्लीज हैव अ सीट। तो अभी श्रवण के कुछ पुराने किस्से सुनकर मैं उसे ये बताने ही जा रहा था कि तुम्हारी उम्र में तुम्हारे सीओ ने भी बहुत कारनामे किए हैं। रियली सर? पर आपको कैसे? अब हम दोनों एक ही बैच में थे, बहुत अच्छे दोस्त थे और सारे कारनामे हम साथ में ही किया करते थे। फिर तो सर नसों में दौड़ता वो एड्रेनलिन आप अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ, बताया तुम्हारे सीओ ने कि तुम्हें जान जोखिम में डालने का बहुत शौक है और इसीलिए तुम्हारे यूनिट वाले तुम्हें सनकी भी कहते हैं। देखो, एडवेंचर और थ्रिल का शौक मैं समझ सकता हूँ, पर उसके लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स बेटर नहीं है? तुम आर्मी में कैसे? What do you think, सुमन? मैं भी जानना चाहूंगी सर कि लाइफ के थ्रिल्स छोड़कर कैप्टन मल्होत्रा आर्मी में कैसे? अपने प्यार की वजह से। मुझे किसी से प्यार हो गया था। ओह रियली? किससे? जिससे कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और हो गया सर। अपने देश से सर। हाँ, और इस प्यार और जुनून के बारे में तो आप दोनों बहुत अच्छे से जानते होंगे। तुमने बहुत ही सही वर्ड का इस्तेमाल किया, जुनून। प्यार जुनून ही तो है। प्यार में लोग क्या क्या कर जाते हैं, और देश प्रेम, उसकी तो बात ही अलग है। जी सर, उस प्यार में तो चाहे आप जान भी दे दो, तब भी वो प्यार, वो जुनून खत्म नहीं होता। आप बहुत ही मजेदार आदमी हैं कैप्टन शर्मा। थैंक यू सर। तुम्हारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। व्हाट डू यू थिंक कैप्टन सुमन? डॉक्टर सुमन हमारी बेस्ट ऑफिसर्स में से एक है। सर, डीपर टिश्यूज में जो दर्द है वो तो कम से कम एक दो हफ्ते रहेगा, बट पूरी रिपोर्ट के लिए आई सजेस्ट कि कैप्टन मल्होत्रा एक एमआरआई टेस्ट करवा ले, एंड उसके बाद आई वुड आल्सो एडवाइस हिम टू गेट अ फिजिकल टेस्ट डन। ओके, अभी पेन है? यस सर। ठीक है, फिलहाल दर्द को कुछ कम करने के लिए अभी कुछ मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब कर दीजिए। ओके, तो मैं चलता हूँ। टेक केयर गाइस। जय हिंद सर। वैसे तुम्हारे डॉक्टर होने पे मैं इतना हैरान नहीं हुआ जितना ये सुन के कि तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट है ये जानने में कि मैंने आर्मी क्यों ज्वाइन की। क्लियरली आप आज भी अपने आप से ऑब्सेस्ड हैं, इसलिए कुछ चीजें क्लियर कर दूं। पहली, डॉक्टर हूं तो अपने पेशेंट्स में इंटरेस्ट सिर्फ उनकी बीमारी तक रखती हूं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है आई रियली डोंट केयर। और दूसरी, मुझे ऑलरेडी पता है कि तुमने आर्मी क्यों ज्वाइन की। और रियली फिर तो तुम वाकई एक कमाल की डॉक्टर हो जिसे देखकर ही सब कुछ पता लग जाता है। शो ऑफ, तुम्हारा फेवरेट टाइम पास नहीं? इसीलिए आर्मी ज्वाइन की ना तुमने, ताकि सबको दिखा सको कि तुम कितने कूल, कितने स्मार्ट हो। एक डेमो तो देख लिया कर्नल गुजराल के सामने। हमेशा की तरह तुम जो भी कहते हो बस शो ऑफ होते, खोखला। आई एम रियली सॉरी, पर मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल गलत था। डॉक्टर से बैठे तो तुम जज होती, और नहीं तो क्या? आप देखो ना कितनी जल्दी मेरे बारे में बिना सोचे बिना समझे सब कुछ डिसाइड कर लिया मेरे बारे में तुमने। मैम, आपके कैबिन का सामान भिजवाया है ऑफिसर गरिमा ने। हाँ, उसे वहां रख दीजिए प्लीज। मैं आए? हेलो। हाँ जी पापा। हाँ पापा, डेट आ गई वर्डिक्ट की। हाँ, आप चिंता मत करिए, बिल्कुल सब अच्छा ही होगा। ठीक है पापा।
ये रहा आपका प्रिस्क्रिप्शन, लिख भी दिया है, MRI करवा लीजिएगा। वैसे केस का वर्डिक्ट 25 तारीख को है। 25 तारीख को सुबह 11:40 पे मैटर कोर्ट में ऑलरेडी लिस्टेड है। ये खबर तो मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है। लगता है तुम्हारा वकील तुम्हारे केस की तरह वीक है। अब तुम्हारी तरह कोर्ट के बाहर जजमेंट देने की आदत नहीं है ना मुझे। बाकी केस का तो 25 को पता चल ही जाएगा। प्लीज एक्सक्यूज मी, मेरे पास और भी बहुत काम है। बाकी सब रख दिया है मैम, ये कहाँ रखना है? ये गरिमा भी ना, 10 कहा था कि सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें भिजवाएं, उसने तो पता नहीं क्या क्या। ये आपको चाहिए? नो मैम। आप रख लीजिए प्लीज, क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं। Excuse me. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.